सो ही क्लासेस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। एंड गाइज आज जो है हम लोग बात करेंगे भाई क्लैन कैपिटल के ऊपर। जैसे कि सभी क्लैंस में क्लैन कैपिटल चालू हो चुके हैं एंड बंदे अटैक्स भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भाई ड्रैगन क्लैप को बस दो शॉट्स में भाई क्लियर किया गया है। एंड भाई एक बारबेरियन कैंप को भी आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो मेन फोकस है भाई ड्रैगन क्लैप के ऊपर, क्योंकि भाई ड्रैगन क्लैप में जल्दी भाई दो शॉट्स में क्लियर नहीं होते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। एंड भाई जितने भी बंदे चैनल पे न्यू है भाई चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा भाई पहला हिट। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्फर्नो ड्रैगन प्लस ग्रेवयार्ड स्पेल्स का यूज़ हुआ है भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले रॉकेट लूंस को ड्रॉप किया गया एंड यहाँ पर एक एक इन्फर्नो ड्रैगन को ड्रॉप कर दिया गया है। एंड अभी जो है थोड़ा सा होल्ड रखा गया है भाई ग्रेवयार्ड स्पेल्स को। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स को और थोड़ा सा क्लियर किया जा रहा है रॉकेट लूंस से और इन्फर्नो ड्रैगन से, ताकि जो है बेस में एक अच्छा खासा अमाउंट में थोड़ा सा मतलब एरिया बड़ा बन जाए। एंड जो ड्रैगन राइडर्स को है, ड्रैगन राइडर्स हुआ या फिर ये जो लूंस हुआ रॉकेट लूंस, वो दोनों डिप्लॉय करने में आसानी हो, इसीलिए भाई थोड़ा सा बेस को धीरे धीरे क्लियर किया जा रहा है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेवयार्ड स्पेल्स का यूज़ हो चुका है, इन्फर्नो प्लस ये ब्लास्ट बो प्लस ये सुपर ड्रैगन पोस्ट पे यूज़ हुआ। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्फर्नो ड्रैगन से पहले यहाँ पर स्केलेटन बैरल्स को पहले डाला जा रहा है, ताकि जो है कुछ ट्रैप वगैरह मतलब होगा तो ट्रिगर आउट हो जाएगा एंड मतलब सीधा मतलब आपके इन्फर्नो ड्रैगन्स को हिट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे से इन्फर्नो ड्रैगन जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये सुपर विजार्ड टावर जो है थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, बट कोई नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं इन्फर्नो ड्रैगन जो है पीछे से बहुत ही ओपी तरीके से डैमेज दे रहा है भाई। एंड ये देखिए सुपर ड्रैगन आ चुका है यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखिए दोनों इन्फर्नो ड्रैगन ने भाई सुपर ड्रैगन को जकड़ लिया है। एंड यहाँ पर एक झटके में भाई सुपर ड्रैगन डाउन हो गया है। तो यही है फ़ायदा भाई ये ड्रैगन क्लैप में भाई सुपर ड्रैगन को ले जाने का, मतलब इन्फर्नो ड्रैगन को ले जाने का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब तो बेस में 55% आ चुका है एक स्टार के साथ। एंड यहाँ पर और एक दो बिल्डिंग्स डाउन हो पाएंगे। एंड पहला हिट जो है काफ़ी बढ़िया रहा भाई। एंड चलिए फटाफट से सेकंड अटैक देखते हैं। तो भाई ये रहा सेकंड हिट एंड सेम आर्मी का यूज़ हुआ। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो है तीन छः ग्रेवयार्ड स्पेल हो जाएंगे। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस में अभी इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा कि बेस को टेकडाउन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्फर्नो टावर प्लस यहाँ पर देख सकते हैं सुपर ड्रैगन पोस्ट पे डाला गया है। एंड और एक इधर ही डाल दिया भाई ब्लास्ट बो के पास। एंड यहाँ पर देखिए सबसे पहले रॉकेट लून का यूज़ किया गया, एंड जिसके कारण ग्रेवयार्ड स्पेल से स्कैलिज निकल रहे हैं एयर स्कैलिज। एंड देखिए डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सुपर ड्रैगन्स को और ये इन्फर्नो टावर को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड इधर से ऊपर से भाई स्केलेटन बैरल जो लेके आया है भाई वो भी काफ़ी अच्छा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड बेस में देख सकते हैं कि चारों तरफ से घेर लिया गया है बेस को। एंड इन्फर्नो ड्रैगन जो है पीछे से भाई बहुत ही अच्छा से क्लीन अप कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये सुपर ड्रैगन एक बचा हुआ है तो जो कि टेकडाउन कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए ये सुपर ड्रैगन भी गया। एंड अभी बेस में कुछ खास बचा नहीं है, स्पीयर थ्रोवर एंड इधर एक सुपर विजार्ड टावर और ये एक एयर डिफेंस बचा हुआ है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन के चलते यहाँ पर ओवर की हो गया भाई दो शॉट्स में। भाई ड्रैगन क्लैप जो है बहुत ही ईजी वे में भाई क्लियर हो चुका है। तो आप लोग भी इस आर्मी का यूज़ कर सकते हैं। एंड और एक आप लोग को स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ जो कि भाई यूज़ हुआ है बारबेरियन कैंप के ऊपर, एंड वो आर्मी भी भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो भाई ये रहा बारबेरियन कैंप, एंड ये बेस भी भाई दो शॉट में भाई क्लियर हुआ था ये डिस्ट्रिक्ट। एंड यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले भाई यहाँ पर रेज बारबेरियन का यूज़ किया जा रहा है। एंड बेस को जो है थोड़ा सा एरिया को बड़ा किया जा रहा है, ताकि जो है लूंस को डालने में भाई कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो पाए। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि रॉकेट लूंस को जो है ड्रॉप कर दिया गया है। एंड अभी तक ग्रेवयार्ड स्पेल्स का यूज़ नहीं हुआ भाई। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेवयार्ड स्पेल्स का यूज़ हो चुका है। यहाँ पर फायर क्रैकर्स के ऊपर डाला गया है एंड एयर डिफेंस के पास था,
तो ये देखिए भाई, रॉकेट रूम्स को जो है एक एक दो दो करके ड्रॉप किया जा रहा है एंड एक ही डायरेक्शन में ड्रॉप किया जा रहा है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो। एंड यहाँ पर देखिए कि नीचे से भाई कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मतलब जाइंट कैनन जो है कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे भाई ये रॉकेट रूम्स का। एंड यहाँ पर ये जो आर्मी है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है भाई, यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है भाई। बस ग्रेवयार्ड स्पेल्स को आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से यूज़ करना है, मतलब अगर आप लोग को देखना पड़ेगा कि आप लोग ग्राउंड आर्मी यूज़ कर रहे हो या फिर ये एयर आर्मी। तो ये एक एयर आर्मी मैंने अभी दिखाया एंड इससे पहले भी हमने ग्राउंड आर्मी पर बना के रखा था, वो वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने हॉग राइडर्स का यूज़ किया था, ठीक है। तो वो देखिएगा, वो भी बहुत ही अच्छा से मतलब इसी तरह से है, सिंपल एकदम। बस ग्रेवयार्ड स्पेस को आप लोग को प्लेस करना है सही जगह पे। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि 51% भाई ये हिट कंप्लीट हो चुका है एंड सेकंड हिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए ग्रेवयार्ड स्पेस का बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर अब देखिए ग्रेवयार्ड स्पेस को की डिफेंसेस पे डाला गया है, जैसे कि मेगा टेस्ला हो गया एंड मतलब जितने भी मतलब एयर डिफेंसेस हैं, मतलब जो एयर को टारगेट करते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर डाला गया, तो कैनन के ऊपर नहीं डाला गया, जाइंट कैनन के ऊपर। अगर ग्राउंड आर्मी का यूज़ करते तो भाई मैं भी यहाँ पर जाइंट कैनन के ऊपर यूज़ होता ग्रेवयार्ड स्पेस, बट यहाँ पर तो एयर आर्मी यूज़ हो रही है। तो इसीलिए देखिए भाई, रॉकेट रूम्स को जो है लगातार एक दो करके स्नाइप किया जा रहा है बिल्डिंग्स को। एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बंच में भाई देखिए स्कैलीज निकल रहे हैं एंड अभी भी ये बेस तो भाई हो गया भाई इजीली, भाई ये बेस भी ट्रिपल हो चुका है। एंड इस तरह के और भी टैंक्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड अभी शाम को आज मैं आप लोग को ये एक न्यू अटैक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ भाई टाउन हॉल 15 पे, जिससे मैं पुशिंग कर रहा हूँ एंड उससे भी आप लोग जरूर से देखना भाई। तो जितने बंदे भाई चैनल पे न्यू है चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो भाई आज के लिए बस हम लोग इतना रखते हैं एंड मैं मिलूंगा गाइज आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक भाई गाइज जय हिंद।